शायद वो उनके दोस्त बनकर उनके राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर नाम, इस देश की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, समझे आप? हमें प्रोसिक्यूटर जूम की जरूरत नहीं है। अब ये क्या चीज है? ओह, ये है द वर्ल्ड फेमस गिलोटिन फाइल। आपने कहा था कि गलती से आपने इसे उस खुफिया तहखाने में गिरा दिया था। किसने कहा था? मैंने। हाँ, ऐसा कहा था क्या? विंचेंजो कसानो। अब चलो जल्दी से इसे फैला देते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। ऑनलाइन डालते ही एक घंटे में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। बकवास आइडिया है। पर क्यों? कुछ ही दिन का हंगामा होगा, लेकिन इस फाइल में जिनके नाम हैं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। ये फाइल दुनिया को सच्चाई बताने के लिए नहीं बनाई गई थी। इससे एक कमीना दूसरे कमीने की कमजोरी का फायदा उठाता है। एक शैतानी दिमाग ही इसका फायदा उठा सकता है। तो हम भी इसे उन्हीं की तरह यूज करेंगे, उनके गले में पट्टा बांधकर उन्हें कुत्ता बना देंगे। अच्छा, समझ गया। ये तो बहुत ही काम की चीज है। तुमने इसे देख लिया क्या? नहीं, अभी नहीं। सोचा हम तीनों साथ मिलकर देखेंगे। सुनो, जल्दी करो, उठो उठो उठो, लैपटॉप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? मुझे पक्का यकीन है प्रोसिक्यूटर जूंग और मिस्टर जेंग के बीच में कोई डील हुई है। मुझे तो लगता है वो फाइल ना उनके पास ही होगी, वो जो गैलरी से मिली थी। नहीं, उसके अलावा कुछ होगा। पर वो फाइल भी कुछ कम नहीं है। जितनी भी टैक्स वगैरह की चोरी की गई है और गलत तरीके से शेयर खरीदे गए हैं, सब उसमें है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी और कुछ है। क्या हो सकता है, मतलब और क्या हो सकता है?